बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रजब अली दत्तो तकने पे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल आर ए व्लॉग्स ऑफिशियल। उम्मीद करना सारे पे अपना ठीक ठाक सो बल राजी सो ते अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो अमान च सो जी। तो बिल्कुल जिस तुसें दस्या सी कि अज असाना सफर है गुजरखान बेवलनी तरफ, तो यह जनाब अली बड़ा खूबसूरत इलाका वह भी, लेकिन जाने जो व्यूज हैं वो ना दसना भी ज्यादती है कि साढ़े कश्मीर के खूबसूरत तरीन नज़ारे जरा इतना मौजूद हैं। पार अगर तुम तको तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा, बड़े खूबसूरत घर, कच्चे घर भी इतना मौजूद हैं। आया जूम करी तुसें दसने असा कि यह चेक करो, ये पुराने रिवाज ने साढ़े घर हैं जोड़े कश्मीर ने, क्या कि इस इलाके सड़क बनते वहाँ थोड़ा अरसा होया तो बड़ा दुशवार गुजार इलाका सी। ए तक एक कच्चे घर हैं सारे, तो बहुत खूबसूरत व्यू है इस इलाके ना। तो इसलिए कोई आरे शारे भी लगे हुए, आवाजा छियाँ पे इस साइड पर, क्या कि सर्दियाँ आ गई तो लोग लुकड़ियाँ बनाने। तो इधर नीचे दरिया ना बड़ा खूबसूरत मंजर है, चेक करो। तो ये जड़ा पॉइंट है इत्थे जनाब वाली मूली जड़ा ना अनी तो दाखिल होनी है। तो बाकी साढ़े नाल डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब जी जी सुनाओ कैसे नज़ारे नू? जी जबरदस्त जनाब, नज़ारा भी है ते असा अपने नाजरीन ही तुसने चैनल तरफों तक प्यारे प्यारे घाड़े लगे हुए, कितना अच्छा व्यू है। असा आख्या जे तुसने नाजरीन उन्होंने कि जनाब चंगे चंगे व्यू दसा। बाकी माशाल्लाह अज असा सफर है बेवल वाली तरफ, मुश्किल पेश घर भी कोल घर रिक्वेस्ट करने अगर कचरे नहीं गड्डी है उसको थोड़ा पाबंदी कर, अगर कचरा किसी जगह खड़ी सकन इसने कोई चीज बनी भी सकनी तैयार भी हो सकनी है, तो जरूरी तो नहीं बीमारी। बिल्कुल जी, ये तकरीबन ये सारा कचरा रिसाइकल होने का कचरा, सिवाय कुछ चंद चीज़ों ने ज़्यादातर चीज़ा रिसाइकल होने लिया। ये जड़ा कचरा ये मुख्तलिफ चीज़ों इस्तेमाल हो सकता, इसमें वुड पैलेट बने सकने। वुड पैलेट डॉक्टर साहब जो गोट है नहीं सुना पुराने दौर जी 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 बिल्कुल गोट यानी अजकल एक मशीन आई है, तो वो मशीन रेवड़ी बंडे आ रहे ना। अच्छा। या पुराने दौर असन या नुकदियाँ होनी सन जी जी, नुकदियाँ ने टाइप ना वो बनानी है बंडा वगैरह या कोई मतलब नहीं वुड पैलेट उसकी आने नु। अच्छा। एक चूल्हा तो तक क्या सी पखेला चूल्हा स्टील ना इसना जी, वो भी ढीला है जड़ी ना, काफी सारी चेंजिंग हुई है ना। ठीक है, उसने बीच बल्ले ने तो वो एक आधा किलो अगर वुड पैलेट बाई छुड़ने होना बिल्कुल त्रे बनाई तो बिल्कुल कास्ट उसने इतनी सस्ती है कि वो 35 या 40 रुपये किलो आज की लिस्ट है। इसका मकसद है जड़ी गैस शैस महंगी है सी लबनी है, कंट्रोल हो जाए सी कंट्रोल हो सकनी है। और अगर इतना कोई बंदा वो मशीन रखी कि ना, जिसे आटे लिया चक्कियां रखी ना लोगों जी जी, इसे अगर वो मशीन भी रखी कि ना तो लोग अपनी ये बूटी घा जरा एक्स्ट्रा मतलब इस्तेमाल वाला नहीं ना जी जी, तो नाल थोड़ी बहुत गोबर है जरा मंजी आना, क्योंकि उसने गैस ऑलरेडी होनी, बायोगैस तो थोड़ा महंगा सिस्टम है वो लगने, लेकिन ये 3500 दा हर चूल्हा लगना जिसने बिच ये चीज बननी है। अच्छा। एक पावर बैंक लगना उसने नाल। अच्छा। या उसकी डायरेक्ट तो बिजली ऊपर चार्जर लाई था उसकी चलाई सकने हो। नहीं मशवरा था वाम की देने चूल्हे बेशुमार इतना साडे बाजारां च, अजकल हर बाजार च वो चूल्हे लभी जाने लेकिन वुड पैलेट नहीं लभने। हां ये उसना तैयार हो जाना इस कचरे नाल, तो उसने बिच लुकड़ियां नो बूरा जरा अस जया करने अक्सर लकड़ियां ले पत्थर यथरा सड़ने उस बाद जया होना, तो चलो पहले उसने सारे काम करी ना जी जी, जिसलै पत्थर रगड़ाई शगड़ाई तो बाद पालिश भी उसने नाल विच ऐड हो जानी, तो वह भी उसकी बल्ले च मदद देनी। माशाल्लाह जी राजीव भाई तुसां की तक व्यू नाल चंगी चंगी गल्लां भी दसने। फिर दोस्तों लाइक ते शेयर इन्हें वीडियो सुन करा करो, तो गूंठा दबा करो, कन्ने वाली बेल खली करा करो, दोस्तों अगर पहुंचा करो जी। तो जनाब असा पहले मूड बनाया सी कि असा जुलसा अबशारा दसा तुसा कि ना, तो उत अबशारा को मौसम नहीं सी ठीक, तो दुआ असा भी थोड़ी जल्दी चा, तो यह व्यू सी जड़ा ये असा मिस कर रहे हैं।
ਨਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਲਈ ਅਬਸ਼ਾਰ ਤੇ ਇਧਰ ਜਨਾਬ ਆਸਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਨ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਜ਼ੋਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰ ਸਟੈਪਸ ਤੱਕ ਨੇ ਲਗੇ ਵੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਟੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋ ਬਿੱਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵਿਊ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਇਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀ ਹੈ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਈ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਡਬਲ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾ ਮਸ਼ਰਾ ਦੇਵਾ ਸਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਾਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਊ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜੁਲਿਆ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਕੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਾ ਵੀਡੀਓ ਟੱਚ ਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੁਲਨੇ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਲਣਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਊ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਰੋਡ ਤੱਕ ਨਲਾ ਡਗਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੋਡ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣੀ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨੇ ਜੁਲਿਆ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਊ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਜੁਲਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨੇ ਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਐਂਡ ਕਰ ਸਾਂ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਸਾਦਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਕਫ ਲਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਸ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਦਫਨਾਈ ਸਕਣਾ ਬਾਕੀ ਜੁਲਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਆਸਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਲਨੇ ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਛੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਜੀਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਫੂਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗੇ ਰਹੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸਨੇ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੱਕੋ ਕਿਆਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਚਫੇਰੀਆਂ ਬੰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੌਦੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਬੀਰ ਔਰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਸਨੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਜਰ ਕਿਲਡ ਅਜਨਬੀ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜੁਲਸਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਲਾ ਸੰਗੀ ਪਛਾਣਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਆ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ ਕੈਸਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
ते नाल जिन्ना बंदे बनाया ते तुसां की इत्थे रखिया ने सहूलत दित्ती ने तुसां की भी ते ए भी उन्होंने भी बहुत एक अच्छी काविश है और इस इलाके च इस तरीके नी कोई जगह बनाना भी एवं एक अजीब जी गल लगनी सी लेकिन उन्हें बनाई ते माशाल्लाह एक लोगों वास्ते खूबसूरत जगह बनाई ने कि उधर सफर ही चशने जाने इत वो तरसन थोड़ी रेस्ट कर सन अपनी अखियां की ठंडक दसन ते नाल इन्हां कबरों उपर फातिहा पढ़ सन ते लाजमी जिहड़ा बंदा इस कब्रस्तान च अच्छा पहली गल सफाई ना खास ख्याल रखो बिन्ना भी लगियां इत्थै ते वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह की साफ ही रखा जाए ते नाल जनाब आली इत्थै फातिहा लाजमी पढ़िया करो कि जिहड़े लोग होने ना फौत शुद गए उन्हां वास्ते फातिहा पढ़ना तुसों पर फर्ज हो जाना जिसका कब्रस्तान चो गुजरने ना तुसों ते उन्हां वास्ते फातिहा लाजमी पढ़िया करो ये तो किसी भी कब्रस्तान वास्ते आया था लेकिन एक खूबसूरत जगह बनाई ने इत्थै तुसों फिरने टुरने वास्ते अक्सर इशनी होता इस जगह नी फातिहा जरूर पढ़िया करो जनाब आली बाकी कब्रस्तान तो अलावा जिहड़ी जगह उसका व्यू है जिहड़ा इत्थै जनाब आली उन्हां वैसे बंदे ने फिरने टुरने वास्ते थोड़ी जगह बनाई था जिहड़ा एक घा आ ये बड़ा जबरदस्त घा है इसने उपर टुरने बड़ा सुकून होना उस तों अलावा बूटे जिहड़े लाए हुए ने मुख्तलिफ किस्म ने बूटे नूं माशाल्लाह ते इन्हां ने भी बड़ी खूबसूरती है ते एक दो त्रै चीज़ा इत्थै आईडिए कम करने के जिहड़े कब्रस्तान ने उन्हें खूबसूरत बनाया जाना जबकि साढ़े पास अक्सर कब्रस्तान खौफनाक होने ते ये बड़ा खूबसूरत कब्रस्तान है ते दूसरा वक्फ लिल मुस्लिमीन है किसी बंदे वास्ते कोई मसला नहीं जिहड़ा बंदा इत्थे अपने किसी प्यारे की दफनाना चाहे या जिसकी कब्रस्तान नहीं सहूलत मौजूद नहीं या कोई लावारस है तो वह बंदा इत्थे अच्छी तरह दफनाई सकना ते बाकी हूँ असं कि काफ़ी टाइम हो गया ते हूँ निकल सा बाकी एरिए फैमिलियां वगैरह फिर लगियां ते असं उन्होंने की ऐड ना करी सकने इंशाल्लाह फिर मुलाकात होसी एक नवी वीडियो नाल अपने प्रो की दसो इजाजत बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।